देखिए, कांग्रेस पे तो बीजेपी आरोप लगाती है, हकीकत में अगर गुटबाजी है तो भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ढकी हुई है, लेकिन अब खुलती जा रही है। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो इतने पुराने कई बार सांसद रहे और भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके ऊपर खुलेआम छतरपुर से जो ललिता यादव जी, उन्होंने आरोप लगाए, और कई नियुक्तियां इस तरह की हुई हैं, कई लोगों को जिम्मेदारियां वहां दी गई हैं, जिस पे भारतीय जनता पार्टी के ही लोग सड़क पर उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी सबके सामने है, आज हर जगह निराशा का माहौल है। बहुत उम्मीद थी, शिवराज सिंह जी चले गए, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, लोगों को लगा कि अब कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन स्थिति और ख़राब हो गई। निरंतर हर जगह भ्रष्टाचार में कोई कमी है नहीं, जो आदेश यहाँ से पारित होते हैं उस पर कोई अमल नहीं हो रहा, इसलिए सारी चीज़ें, सारी किताबें खुली हुई हैं, और आने वाला भविष्य आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी दिन पर दिन और बढ़ती जाएगी। अब केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में भाजपा की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, और आने वाले समय में कांग्रेस संगठित होकर एक मजबूत स्तंभ की तरह निखर के आएगी, आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आज हमारे पास ऊर्जावान अध्यक्ष हैं जो युवा हैं, और पूरी टीम नई अनुभव के साथ साथ युवा ऊर्जा के साथ खड़ी है। आने वाले भविष्य में परिवर्तन होगा और भाजपा की गुटबाजी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अभी कांग्रेस के विधायक हैं, एक देश एक चुनाव की तैयारी कर रही है एनडीए, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग हमेशा, मैंने पहले भी कहा कि नए नए मुद्दों में उलझाना चाहते हैं, अब एक देश एक चुनाव कर देते हैं, कभी कुछ बातें करते हैं। तो मेरा कहना है कि आज समस्या इस बात की है कि हमारे किसान की स्थिति क्या है, आज समस्या इस बात की है कि हमारे प्रदेश का, हमारे देश का जो नौजवान है वो बेरोजगारी से परेशान है, उसके पास काम नहीं, उसके पास कोई धंधा नहीं है। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, वहाँ हर जगह नौजवान परेशान है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है, काम के कोई साधन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के स्लोगन देके हमेशा उलझाए रखना चाहती है, लेकिन जो असल में जो मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करती। जो इन्होंने वादा किया था बहनों के साथ चुनाव के पूर्व के 3,000 रुपये देंगे, क्या हुआ उस वादे का? 1,250 रुपये। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा विधायक हैं ललिता यादव और केंद्रीय मंत्री है वीरेंद्र खटीक, दोनों के बीच में विवाद स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जो सांसद प्रतिनिधि है वीरेंद्र खटीक ने कांग्रेस के नेता को बना दिया है, ये ललिता यादव का कहना है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मुकेश जी, सर किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री और एक विधायक, दोनों में आपस में एक कांग्रेस के नेता के सांसद प्रतिनिधि की बात आ रही सामने, इसको लेकर क्या? देखिए, अकेले ललिता यादव और वीरेंद्र खटीक के बीच में संघर्ष नहीं है, इस समय पूरा बुंदेलखंड बीजेपी की आपसी कलह का केंद्र बना हुआ है। वहाँ गोविंद राजपूत, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, शैलेंद्र जैन, पन्ना जिले में ब्रजन सिंह और प्रहलाद पटेल, इनमें संघर्ष चल रहा है। तो पूरा बुंदेलखंड ऑलमोस्ट कलह का केंद्र बना हुआ है और बहुत बड़े अंतर विरोधों का शिकार हो रहा है बुंदेलखंड। विधायकों की आपस में पट नहीं रही है, मंत्री से विधायकों की नहीं पट रही है, लोकसभा सांसद की विधायकों से नहीं पट रही है, और लंबे समय में सत्ता में रहने के कारण जो बुराइयां किसी राजनीतिक दल में आती हैं वो स्पष्टतः इस समय बीजेपी में देखी जा सकती है। तो लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कुंभ बढ़ता जा रहा है उसमें आप आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्या लगता है? लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण जो बीमारियाँ आती हैं वो बीजेपी में बहुत बुरी तरह से संक्रमित कर रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मुकेश जी हैं जिन्होंने, प्रवक्ता हैं कांग्रेस को, उनका कहना है कि जिस तरह से बीमारी में संक्रमण फैलता है उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में भी अधिकतर संक्रमण फैलता जा रहा है। कैमरामैन हेमंत देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर।